So, how long does that take? Here's what my research says. 20 hours. That's it. You can go from knowing nothing about any skill that you can think of. Want to learn a language? Want to learn how to draw? It's a wrap. दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे लोगों को सांस लेने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो मैं अपनी मोटिवेशन ढूंढने निकला यूट्यूब पे। तो जॉश कॉफमैन ने अपने टेडएक्स में बोला कि यू कैन लर्न एनीथिंग इन 20 आवर्स। तो भैया मैंने भी डिसाइड किया कि आई विल लर्न हाउ टू रैप इन 20 आवर्स। लेकिन रैप ही क्यों, मुझे रैप ही क्यों सीखना है? रैप क्या है? रिदम पोएट्री। लिख तो मैं लेता हूं लेकिन राइटिंग है, बीट्स नहीं है, इन दोनों को मिलाया कैसे जाए? ये एक थोड़ा इशू है जिसके लिए मैं अपने एक फ्रेंड के पास जा सकता हूं जो मुझे शायद इसमें मेरी थोड़ी हेल्प कर दे और कुछ बात बन जाए। मैं शायद 20 घंटे में कुछ तो सीख ही सकता हूँ। हे अक्षय, व्हाट्स अप मैन? यार एक तेरी हेल्प चाहिए यार मुझे। लिरिक्स लिख दे, पोएट्री लिख पहले तो। ठीक है, फिर पोएट्री को एक मतलब ए बी में रख। तो बेसिकली इट्स लाइक अ I was a man, I don't know the plan. It doesn't really matter how fast or how can. I cannot understand, but really I am. I know what I'm talking about, not a one a man. So, it has to go on that. Otherwise, it can't go like, I was a man, it doesn't really know. अगर मैं जाऊँगा इधर तो मुझे बता। नहीं, यहाँ फोन पड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन तू यहाँ बैठा है ये मुझे पता। ऐसे ऐसे बोलो, कैसे बोलो, कैसे 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 समझ आएगा, हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, सुनते रहे। Eminem ने मेरे को सिखाया। ये मेरा चैलेंज मैंने खुद को दिया है, मैं 20 घंटे में रैप सीखूंगा। तू मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहिए। आई कांट वेट टू हियर दिस मैन, ऑल द बेस्ट बडी। चलो सी या मैन। होला, आई एम फ्रॉम फ्यूचर एंड आई ऑलरेडी नो द रिजल्ट। सो मेरे आने का कोई रीज़न तो है नहीं, लेकिन मैं बस अपने टाइम ट्रैवल स्किल का शो ऑफ करने आया हूँ। या दैट्स इट। पांच बज गए हैं और मेरे रैप सीखने का टाइम भी शुरू हो गया है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ Eminem। ये मेरी स्ट्रेटजी है कि एक घंटे तक पहले मैं सारे रैप सुनूंगा, पूरा फ्लो देखना चाहता हूँ कि रैप कैसे होता है, क्या बोलना क्या चाहता है, क्या स्टोरी है। अब इसके बाद मैं हर टाइप का रैप सुनूंगा। मेरा मतलब है हर टाइप। मेरा मतलब है हर टाइप। आई गेस पढ़ाई बहुत कर ली है, अब थोड़ा ट्यूटोरियल्स ले लेता हूँ। और ट्यूटोरियल्स लेने के लिए कहाँ जाऊँगा? यूट्यूब पे, क्योंकि पैसे तो खर्च करने नहीं है, फ्री में सीखना है। तो यूट्यूब से फोकट और फ्री जगह कहाँ हो सकती है? हाउ टू रैप। इस चैनल में काफी कंटेंट ऐसा दिखा है मुझे जो मुझे लगता है कि मुझे काफी हेल्प करेगा। ये तक भी हाउ टू राइट योर फर्स्ट रैप, इसी को ही मैं अपना गुरु बनाऊंगा। योर फर्स्ट वर्स इन अंडर 11 मिनट्स। अब उसमें मुझे इसने टॉपिक लिखने के लिए बोला है जो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है या फिर तुम्हारे पैसों की दिक्कत चल रही है, ऐसा कुछ तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो सब निकालो रैप से। कभी कभी लाइफ में समझ में नहीं आता कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है या फ्रस्ट्रेशन को मैं हो रहा हूँ। ये अभी ऐसा ही कुछ मोमेंट आने वाला है। फ्रस्ट्रेशन। मैंने ये एक वर्स लिख दिया है, 8 bars यानी कि 8 lines में मैंने लिखा है। इस फ्रस्ट्रेशन से तो सब रिलेट करेंगे, और जो है ठंड। दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, ठंड ने तो अब कर दी है जिंदगी झंड। गर्म पानी से नहाना पसंद नहीं मुझे, क्या अब आराम से बैठकर जलाऊं मैं एक जे। दोस्त भी हैं मेरे अब सब परेशान, कहते इस बार ठंड ने ले ली मेरी जान। अगर खाता है कोई किसी का अनार तो होता है वो बीमार, दिक्कत ही नहीं होती अगर कपड़े पहने होते 4। अब इस बीट पे बिठाऊंगा मैं, कैसे होगा नहीं पता है मुझे। दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, ठंड ने अब तो कर दी है जिंदगी दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, ठंड ने अब तो कर दी है जिंदगी। मैंने जो फ्रस्ट्रेशन में रैप लिखा था ना, उस पे मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये मेरे साथ फ्रस्ट्रेसेप्शन हो रहा है।
आई डोंट नो मैं कैसे करूं यार इसको. दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, ठंड ने अब तो, दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, ठंड ने तो अब कर दी है जिंदगी. देखो ऐसे तो कभी नहीं होने वाला, पहले थोड़ा योगा करना पड़ता, फिर 3 clap push-ups. अब एक बार थोड़ा चलते चलते रैप करने का ट्राई करता हूँ. दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, और अब कैमरे में जाके ऐसा टेडेक्स दो कि लोगों को पता ही ना चले कि ऑप्टिमिस्टिक था या पेसिमिस्ट. इट डजंट मैटर कि मैं गलत राइम कर रहा हूँ या कैसा राइम कर रहा हूँ, साला जैसा राइम होगा मैं वैसा गाऊंगा. घटिया रैप होगा ना ज्यादा ज्यादा. वैसे भी कौन सा बढ़िया रैपर हूँ मैं? वैसे मैंने पहले भी रैप ट्राई किया हुआ है. ये क्या है तेरी टी शर्ट? इसको मुंह में ले तू. मुझे नहीं पता तेरे बालों के बारे में क्योंकि उसमें है जून. पहली बात तो ये टी शर्ट नहीं, ये है शर्ट. एक बंदा था जिसका नाम था कोबेन, उसका पहला नाम था कर्ट. तूने बात करी है, करी है कर्ट. क्या तू खाता है कर्ट? क्या बचपन में तू बनाता था होमवर्क ऑन अ चार्ट? क्या तूने कभी खेला है जिंदगी में डार्ट? मैंने खेला है बहुत डार्ट, लेकिन तेरे पास नहीं है कोई आर्ट. शायद इसीलिए मैंने कभी दोबारा ट्राई नहीं किया. मैंने फिगर आउट कर लिया है, जो मैंने लिखा था उसी पे बीट्स बैठा रहा था तो नहीं बैठ रही थी. तो 1.5 घंटा मैंने ये सोचा क्या दिक्कत है, थोड़ा वीडियोस देखी, तो एंड में ये मुझे पता लगा कि भाई बीट्स के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं लिरिक्स. तो अभी मैंने थोड़ा सा मतलब ट्वीक कर दिया अपनी लिरिक्स. दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, ठंड ने तो कर दिया है मुझे झंड. पानी है गर्म ना, नहीं है मुझे, क्या बैठे बैठे अब जलाऊं मैं एक जे. बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. दिल्ली में अभी हो रही है ठंड, ठंड ने तो कर दिया है मुझे झंड. पानी है गरम नाना नहीं है मुझे, क्या बैठे बैठे मैं जलाऊं एक जे. दोस्त भी है मेरे अब सब परेशान, कहते हैं ठंड ने तो ले ली मेरी जान. खाता एक अनार दूसरा पड़ता बीमार, दिक्कत होती ही नहीं अगर कपड़े पहनता चार. जी हाँ हो गया. 10 घंटे हुए हैं बस, 10 घंटे में मैंने रैप सीख लिया. दो चीजें हो सकती हैं, रैप करना बहुत ही ज्यादा इजी है, दूसरी चीज आई एम अ क्विक लर्नर. कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं खुद की तारीफ कर ही नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूं दो पॉसिबिलिटी हैं. सो या आई गेस कंक्लूजन यही है कि वी कैन लर्न एनीथिंग इन 20 आवर्स और एटलीस्ट द टेक्निक ऑफ इट. आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कुछ अलग चीज करते हुए. आई डोंट नो कि मैं क्या करने वाला हूँ. तब तक के लिए